बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पाकीज़ा टीवी से अवैस रियाज शेख आपसे मुखातिब। नाइक्राम, सेक्टर 42 के हवाले से मैं आजकल आपके सामने कुछ इंफॉर्मेशन रख रहा हूँ, कुछ चीज़ें रख रहा हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक कैसे होने वाला है, यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ आने वाली हैं, और सबसे बढ़ के ये कि अभी इसकी इंस्टॉलमेंट शुरू नहीं हुई है। इसकी 9th मंथ से यानी कि सितंबर 1 से पहली किस्त जारी है। तो आप में से जो भी भाई रह गए हैं वो अभी से बुकिंग करवा सकते हैं। सिर्फ 1.5 लाख रुपए से इसकी बुकिंग है, और 5 मल्ला में आना चाहते हैं तो 2,25,000 रुपए से इसकी बुकिंग जो है वो मौजूद है। इसमें फैसिलिटीज़ बड़ी कमाल की आने वाली हैं। एजुकेशनल कम्प्लेक्स आने वाला है, डांसिंग फाउंटेन्स आने वाली हैं, बेहतरीन किस्म की के पार्क्स आने वाले हैं, मस्जिद आने वाली हैं। सेक्टर 42 इज़ नॉट जस्ट ए मेयर ए ब्लॉक, इट्स ए सेक्टर। इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें, कमर्शियल जोन्स आने वाले हैं, कमर्शियल एरियाज प्रॉपरली इसके अंडर आने वाले हैं, और कुछ यूनिक किस्म की फैसिलिटीज़ जिसके अंदर ज़ू है वो आपके सामने आएगा, आपके बच्चों की फैसिलिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। और लाहौर के अंदर जितनी बेसिकली इसका जो सेक्टर 42 नेम है, इट्स ए यूनिक नेम, और ये लाहौर से लिया गया है, सेक्टर 42 कोर्ट से। लाहौर के अंदर जितनी बड़ी फैसिलिटीज़ हैं उसको री शेप करके इस जहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। तो अभी सीन ये है कि लाहौर के इनसाइड अगरचे फैसिलिटीज़ बहुत हैं, लेकिन ट्रैफिक के और पॉपुलेशन के, पोल्यूशन के और डिफरेंट किस्म के मसाइल पैदा हो चुके। तो यहाँ पे लाहौर के इनसाइड जो मसाइल हैं, जैसे पॉपुलेशन है, पोल्यूशन है, ट्रैफिक के इश्यूज हैं, बहुत ज़्यादा और चीज़ें हैं। तो लोग लाहौर से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन लाहौर की बाउंड्री पे भी रहना चाह रहे हैं ताकि लाहौर की इनसाइड फैसिलिटीज़ को भी इंजॉय कर सकें, लेकिन लाहौर की बाउंड्री पे रह के एक हेल्दी एटमॉस्फेयर अपने बच्चों को देना चाहते हैं, जो धुएं से पाक हो, जो ट्रैफिक के बेहंगम आवाज़ों से पाक हो, जो बच्चों की एक ज़हनी नशोनुमा के तौर पर एक अच्छी चीज़ हो, तो आपके सामने चीज़ें आ सकें। तो रहमान गार्डन फेज 7 लाहौर से जो है उसकी बाउंड्री पर वाकई एक बेहतरीन फ्यूचरिस्टिक प्लान बनने वाला है। तो यहाँ पे जितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसमें आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए तशरीफ़ ला सकते हैं, उसमें आप जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं उसमें भी आ सकते हैं, जो शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं उसमें भी आप आ सकते हैं। प्रॉपर्टी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो ऑब्वियसली थोड़ा सा पेशेंस मांगती है और थोड़े लंबे अरसे के लिए होती है। यहाँ पे महीनों की या दिनों की या हफ्तों की इन्वेस्टमेंट नहीं होती, यहाँ पे सालों की इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये चीज़ आपने जेहन में रखना होती है। तो सेक्टर 42 1.5 लाख से बुकिंग या 2,25,000 रुपये से 5 महीने की बुकिंग के अंदर आप तशरीफ़ ला सकते हैं। मेरे पास फाइल्स बड़ा लिमिटेड सा स्टॉक अवेलेबल है, और मैं सबका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज का, कि उन्होंने सेक्टर 42 पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया है और अबंडेंस के अंदर फाइल्स जो हैं वो लिए। अच्छा, दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कुछ लोग कह रहे थे कि यार सेक्टर 42 के हवाले से आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, क्या रोमन की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई है, क्या बेवरली हिल्स की, क्या सीडी की, या ऑलरेडी जो ब्लॉक्स या प्लान्स चल रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई है? ऑब्वियसली नहीं हुई। जो करंट प्लान्स होते हैं हमने आपके सामने एट टाइम रखने होते हैं, और उसकी इंस्टॉलमेंट भी अभी शुरू नहीं हुई होती है, जिस तरह सेक्टर 42 है। अगर आप रोमन के अंदर आते हैं तो उसकी इंस्टॉलमेंट्स जो अब तक की जा चुकी हैं वो आपने पे करनी है। अगर आप उसमें आते हैं बेवरली हिल्स के अंदर, उसकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं जा चुकी हैं वो आपने पे करनी है। और बेवरली हिल्स इज़ इलीट का ब्लॉक है, नॉर्मल बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो वो थोड़ा डिफरेंट है। तो उसमें फिर हम उस लेवल की एडवर्टाइजमेंट ऑब्वियसली जो है वो कर रहे होते हैं। तो बाकी बेवरली हिल्स ऑब्वियसली एक ग्रेटेस्ट एवर ब्लॉक है, लेकिन वो इलीट के लिए, उसमें जो कॉमन पर्सन है या मतवसत तबके का बंदा है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये चीज़ है। और जो रोमन ब्लॉक है वो ऑब्वियसली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को लेके आ रहा है, वहाँ पे कोलोसियम बन रहा है, वहाँ पे वेटिकन गार्डन्स बन रहे हैं, वहाँ पे फोंटाना डेल ट्राइटन के नाम से एक झील बन रही है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी वजह से रेट में बड़ा अच्छा इजाफा होता है। अगर आप में से कोई भाई रोमन के अंदर आना चाहता है और उसकी इंस्टॉलमेंट से एक साल के करीब करीब की दे सकता है, कुछ प्लान्स की बाद में भी शुरू हुई हैं, तो ऑब्वियसली वो प्लान्स भी मेरे पास अवेलेबल हैं, आप आ सकते हैं। रोमन की फाइल्स भी मेरे पास मौजूद हैं, आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट के लिए तशरीफ़ ला सकते हैं। तो ये चीज़ होती है। तो रहमान गार्डन फेज 7 अगरचे प्रॉपर्टी की जो मार्केट है मुल्की हालात अनसर्टेनिटी की वजह से क्रैश कर चुकी थी, लेकिन रहमान गार्डन अगरचे इस पर प्रेशर क्रिएट हुआ, रेट्स
डाउन हुए, चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई, लेकिन इसने अपनी कमिटमेंट्स, अपनी गुडविल, अपनी दूसरी चीज़ों पे आँच नहीं आने दी है। तो फ्यूचर के अंदर आप देखेंगे जैसे ही मुल्की हालात स्टेबल होते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी चीज़ें कैसे बेहतरीन रेट्स को जंप अप करती हैं। ये बेहतरीन टाइम है बाइंग का। आपको कुछ भी मिलता है अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर, आप उसको लाजमी बाय करें, चाहे वो रोमन है, बेवरली हिल है, सेक्टर 42 है, या कोई दूसरी डील्स है, हैदर ब्लॉक है, अली ब्लॉक। अली ब्लॉक के हवाले से मैं आपके सामने एक चीज़ करना चाहता हूँ कि इट्स ऑन ग्राउंड विद डेवलपमेंट चार्जेस ये ब्लॉक है, जिस की कीमत सिर्फ 24 लाख रुपए, और डिफरेंट फैसिलिटीज़ के साथ, चाहे वो मॉस्क है, 24/7 सिक्योरिटी, हॉस्पिटल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो 24 लाख का प्लॉट है, 6,20,000 से बुकिंग है, इसकी अप्रैल से इंस्टॉलमेंट शुरू हो चुकी है। अगर आप अभी लेते हैं तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 किस्तें आपको देनी पड़ेंगी, जो 25,000 पर मंथ बनता है, और 6,20,000 रुपये इसकी बुकिंग अमाउंट बनती है। तो इस ये भी एक बेहतरीन प्लान है, वो लोग जो प्लान की बजाय प्लॉट के अंदर आना चाहते हैं उनके लिए ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। तो आप में से कोई भी भाई किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, रहमान गार्डन फेस 7 के अंदर वो आ सकता है। नंबर मेरा स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।